नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर स्वागत है आपे के चैनल ऑनलाइन आज में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे रूट निकालना। चाहे डबल डिजिट हो, ट्रिपल डिजिट हो, कोई सा भी नंबर हो, उसका हम लोग आराम से रूट निकाल सकते हैं। सर, रूट का मैथ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना रूट के हम लोग बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आसानी से नहीं कर सकते। तो आप देखोगे मैथ के अंदर बिना रूट के कुछ भी नहीं होता है, और रूट को अगर हम मैनुअली या हमारे ट्रेडिशनल तरीके से निकालेंगे तो काफी लंबा उसका टाइम लगता है। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि आप 2 सेकेंड के अंदर केवल देखते ही बड़े से बड़े नंबर का किस प्रकार आप रूट निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं और लाइक पर क्लिक करें। तो आज हमारा चैनल देखते रहें और हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार हम लोग रूट निकालते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग सीखें कि किस प्रकार का रूट निकाला जा सकता है बिना पेन या कैलकुलेटर के। तो आज हम लोग 2 एग्जाम्पल देखते हैं, 5625 का, और सेकेंड हम एग्जाम्पल देखेंगे 6889 का। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर जब भी स्क्वायर रूट सीखना है तो 10 तक का हम लोगों को स्क्वायर आना चाहिए। वैसे मोस्ट ऑफ सब लोगों को आता है, फिर भी नहीं आता है तो एक बार देख लें हम लोग कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा और 4 का 16 होगा, 5 का 25, 6 का 36। इस प्रकार आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए। तो वैसे नॉर्मली हम लोगों को याद होता भी है, वरना आप एक बार में इसको याद भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस नंबर को हमको किस प्रकार हमको इसको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पहला एग्जांपल देख लेते हैं, 5625 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मुझे पहले जितने भी डिजिट है उनको ग्रुप में डिवाइड करना है। हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट में पहले 2 डिजिट को मैंने अंडरलाइन किया, यानी पहला ग्रुप ये हो गया। इसके बाद सेकंड जितने भी डिजिट बचेंगे उसको हम एक ग्रुप के अंदर रखेंगे, यानी 56 का एक ग्रुप हो गया, 25 का हो गया। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट ग्रुप 25 में 5, सबसे पहला यूनिट पॉइंट है 5, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग 5 से। तो अब देखेंगे 5 पूरी सीरीज में कहां पर है, किसका स्क्वायर है 5, पहले तो हमें 5 को सर्च करना है। हम देखेंगे पूरी लाइन में 5 केवल 25 के अंदर है, वो भी यूनिट पॉइंट यानी फर्स्ट डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब 25 का रूट क्या होगा, 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का, ठीक है, स्क्वायर 25 है यानी 5 के अंदर आ गया, तो इसका रूट हो गया 5। तो पहला डिजिट हमको मालूम पड़ गया कि इसका जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो डबल डिजिट में आंसर आएगा। तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 5। नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं कि फर्स्ट का 5 आ गया, देन है 56। अब देखो 56 कहां पर है, अब हम देखेंगे पूरे ग्रुप में 56 कहीं भी नहीं है, लेकिन 56 49 और 64 के बीच में आता है। इसका मीन्स ये हुआ कि हम लोगों को हमेशा उससे छोटा नंबर ही लेना है। जो 56 है तो 56 नहीं है, तो इससे छोटा नंबर कौन सा है, 49। ठीक है जी, तो 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का। तो 49 किसका है, 7 का। इसका मतलब 56 का, ठीक है, रूट क्या निकल के आया, 7। क्यों, क्योंकि 49 उनको लेंगे हम लोग और 49 के अकॉर्डिंग आंसर हुआ हमारा 7। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारा 75 हो गया। तो पहले 5 का निकाला, फिर हम लोगों ने 56 का निकाला, सेकंड 2 डिजिट का। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल ऐसे डिजिट का रूट निकालना देखा जिसके लास्ट में 5 हो। अब आगे देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा अलग हटा देते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 6889 का हम लोग किस प्रकार स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट में 89 का, देन 68 का, 2 ग्रुप से हमने डिवाइड किया। फर्स्ट में देखें 89 में पहला यूनिट पॉइंट है 9। अब आप पूरी लिस्ट में देखिए 9 कहां पर है, 9, एक डेट 9, एक 9 ये हुआ और देन सेकंड 9 ये। इसका मीन्स ये हुआ अब हमारे सामने 2 ऑप्शंस आ गए हैं, क्योंकि 9 पूरी लाइन के अंदर 2 बार्स आ रहा है। एक तो 3 के आ रहा है, 3 का स्क्वायर है, एक 7 का 49 है, यानी 2 जगह आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 का एक तो 3 होगा, ये 3 में राइट डाउन कर देता हूं। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, 7, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो हमें 2 बार को याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फर्स्ट डिजिट का आंसर या तो 3 होगा या 7 होगा। चलो अब देखते हैं इसको जज करके कि कौन सा आंसर परफेक्ट आएगा। अब इसका निकाले हम लोग 68 का। ठीक है जी, तो अब 68 कहां पर है, 68
64 और 89 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इससे छोटा नंबर लेना है, तो 68 से छोटा नंबर है 64, तो 64 के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 8। चलो एक अब हमारा आंसर आ गया है, हमेशा आंसर डबल डिजिट में आना है इसका, तो पहला डिजिट आ गया 8, अब सेकंड डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा यहाँ पर, तो इसका तो आंसर आ गया 8, और इन दोनों में से 3 या 7, तो कौन सा नंबर ले, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें छोटा वाला नंबर लेना है या बड़ा नंबर लेना है, दो डिजिट में आंसर है, तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर निकल के आया हमारा 8 लास्ट टू डिजिट का, उसका सक्सीय है नहीं, उसका बड़ा नंबर जो भी है उसे, जैसे 8 से बड़ा है 9, तो हम क्या करेंगे उसके जस्ट हायर नंबर से, जैसे कि आप दिख रहा है उसके जस्ट हायर नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो 8 से हायर नंबर है 9, तो 9 से हमने मल्टीप्लाई किया और 9 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हुआ 72। अब देखो ये जो अंदर का नंबर है रूट स्क्वायर, इसके अंदर स्क्वायर के अंदर इसका रूट के अंदर जो है, ये क्या 72 से छोटा है या बड़ा है, अगर ये अंदर वाला नंबर छोटा है तो छोटा नंबर आएगा, अगर अंदर वाला बड़ा है इससे तो बड़ा वाला नंबर आएगा, तो हमने देखा कि इसका आंसर तो 8 आ गया था, पर इसका आंसर 3 और 7 दो आ रहा था, क्योंकि 9 3 में भी था और 7 में भी था, तो दोनों में से हमको जज करने के लिए हमने जो सेकंड ग्रुप का जो आंसर आया उसके उसके सक्सीयर यानी उसके हायर नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया और देखा कि अंदर का डिजिट छोटा है या बड़ा है, तो अंदर का डिजिट छोटा है तो आंसर हमेशा छोटा यानी 3, 7 और 3 में से आंसर 3 होगा, तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया 83। इस प्रकार हम लोग किसी भी स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो याद रखना दो नियम मैंने आपको बताए थे, लास्ट का टू ग्रुप बनाएं, लास्ट का नंबर देखें, जैसे 5 में तो एक ही नंबर था इसलिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना पड़ा, लेकिन 9 की केस में 2 बार डिजिट आया था, 2 बार आया है इसलिए हम जो जज करने के लिए उस नंबर को उसके हायर नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया। और हमारे दोस्तों अगर इस प्रकार की वीडियो देखते रहना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक नॉलेज के लिए हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।